अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नदीम शहजाद फ्रॉम गैलेक्सी मोबाइल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वीवो का एक बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च हुआ है। आज हम इस मॉडल की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इस मॉडल में हमें क्या फीचर्स मिलते हैं। वीवो वाई 18 के नाम से ये लेटेस्ट मोबाइल फोन आया, वाई 17 के बाद वाई 18 सीरीज ये लॉन्च हुई है, जिसमें एक ही फिलहाल वेरियंट आया जो कि 4GB रैम के साथ 128GB इस मॉडल की स्टोरेज है। अगर हम बात करें इस मॉडल में कलर्स की, तो वाई 18 में दो तरह के कलर हैं, वेव एक्वा कलर है और दूसरा कलर जो है इसमें ब्राउन कलर है। तो जिस कलर के आज हमने अनबॉक्सिंग की है वो इस मॉडल का वेव एक्वा कलर है। तो मोबाइल को हम कर लेते हैं जी अनरैप, मोबाइल को कर लेते हैं जी ऑन, और मोबाइल के ऑन होने तक हम चेक कर लेते हैं इस मॉडल की एक्सेसरी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस मॉडल की एक्सेसरी की, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ मिलती है इसका बैक केस मिल रहा है। इसकी क्वालिटी की बात कर लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा वाइट सिलिकॉन हमें केस मिल दिया गया। इसके अलावा मैनुअल गाइडलाइन वाली बुक्स दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल में जो अडाप्टर दिया गया है, इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसमें 15 वाट का हमें फास्ट चार्जिंग वाला अडाप्टर मिल जाएगा। केबल की बात करते हैं तो केबल हमें टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल दी गई है। इसके अलावा बॉक्स में हमें सिम इंजेक्टर मिल जाती है। मोबाइल की सेटिंग हम कर लेते हैं जी कंप्लीट। तो दोस्तों, मोबाइल की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस मॉडल की बैक लुक की, तो बैक लुक आप देख सकते हैं कि इस मॉडल की जो बैक है वो काफी शाइनिंग वाली इस मॉडल की हमें बैक मिल जाती है। बैक कैमरा लेंस की बात करें तो इसमें हमें डुअल सेटअप के साथ मेन कैमरा लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया, जो कि बिल्कुल मिलता जुलता वाई 17 से इस मॉडल की बैक शेप दी गई है। LED फ्लैश लाइट मिल जाएगी। मोबाइल की बैक जो मैट फिनिशिंग वाली इस मॉडल की प्लास्टिक की हमें बैक मिल जाती है। मोबाइल की साइड की बात करें तो राइट साइड पे हमें साइड माउंटेड फिंगर दिया गया, वॉल्यूम अप डाउन कीज दी गई हैं। मोबाइल के नीचे वाले साइड पे हमें जो ऑप्शन मिलता है वो माइक का ऑप्शन दिया गया, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। इस मॉडल में 3.5mm का हैंड फ्री जैक का ऑप्शन दिया गया, जो कि मोबाइल की नीचे वाली साइड पे। इसमें जो चेंजिंग की गई है वो स्पीकर का वो मोबाइल के ऊपर वाली साइड पे दिया गया। वाई 17 में मोबाइल की नीचे वाली साइड पे स्पीकर था, और वाई 18 में जो स्पीकर आया वो मोबाइल की ऊपर वाली साइड पे सिंगल इस मॉडल में स्पीकर मिल जाता है। अगर हम बात करें मोबाइल की लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड पे हमें सिम ट्रे का ऑप्शन दिया गया। इसे भी ओपन करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिम ट्रे की, तो सिम ट्रे में डुअल सिम डालने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, और SD कार्ड डालने के लिए अलग से इस मॉडल में स्लॉट दी गई है। अब अगर हम बात करें इस मॉडल के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हमें 6.6 इंच का IPS हमें इस मॉडल में डिस्प्ले दिया गया, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट वाला इस मॉडल में हमें डिस्प्ले मिल जाएगा। इसकी अगर हम बात करें स्मूथनेस की, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथली ये वर्किंग वाला इस मॉडल में डिस्प्ले दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल के फ्रंट कैमरे की, तो नोच वाला इस मॉडल में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब हम पहले इनकी पिक्चर की क्लिक करके इनका मैं आपको रिजल्ट, फ्रंट और बैक कैमरे का रिजल्ट आपको चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो पिक्चर क्लिक की है बिल्कुल नॉर्मल कैमरे पे इस मॉडल की पिक्चर क्लिक की गई है, जिसका रिजल्ट काफी बेहतर है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी, एक पिक्चर क्लिक करके इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी चेक कर लेते हैं जी। तो अगर हम बात करें इस मॉडल के 50 मेगापिक्सल कैमरे की, तो आप देख सकते हैं कि इसमें पिक्चर क्वालिटी काफी बेहतर है, जिसमें बॉक्स को काफी प्रोमिनेंट किया गया और इसकी साइडें जो वो ऑटो ब्लर हो जाती है, और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी बेहतर फील होती है। वीवो का जो 18 मॉडल है, इसका बैक कैमरा तो काफी बेहतर है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका फ्रंट कैमरा। तो अगर हम बात करें इस मॉडल के फ्रंट कैमरे की, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें हमें फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रंट कैमरा भी काफी बेहतर लगाया गया है, जिसमें रिजल्ट काफी बेहतर फील होता है। इसके अलावा अगर हम कैमरे को जब ओपन करते हैं, तो जो हमें ऑप्शन मिलते हैं इनकी बात कर लें, तो इसमें बैक कैमरे की बात करें तो इसमें 1x से 2x तक क्लियर इस मॉडल को जूम कर सकते हैं। वैसे तो 10x तक जूम कर सकते हैं, लेकिन 1x से 2x तक इस मॉडल के क्लियर इस मॉडल को जूम कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट के अलावा नाइट का ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें वीडियो की, तो वीडियो पे आप 1080 पे और 720 पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें आप 30fps पे वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिया गया। अब अगर हम बात करें मोर पे जाएं, तो मोर पे जो ऑप्शन मिलते हैं इसमें 50 मेगापिक्सल का अलग से ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा पैनो का ऑप्शन मिल जाता है, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया, लाइव वीडियो लाइव फोटो बनाने का ऑप्शन दिया गया, स्लो मोशन का ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा इस मॉडल में हमें डुअल वीडियो बनाने का ऑप्शन नहीं मिलता। अब अगर हम बात करें इस मॉडल के एंड्रॉयड वेरिएंट की, तो वाई 18 में जो एंड्रॉयड वेरिएंट है वो 14 मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर ऑक्टा कोर का इस मॉडल में हमें प्रोसेसर दिया गया। अगर हम बात करें इस मॉडल की चिपसेट की, तो चिपसेट वाई 18 में जो चिपसेट है वो मीडियाटेक हेलियो G85 के इस मॉडल में चिपसेट मिलता है, जो कि वीवो के वाई 17 में भी सेम चिपसेट लगाया गया, और वीवो के वाई 03 में भी हमें सेम चिपसेट मिलता है, लेकिन वाई 03 में साइड फिंगर नहीं मिलता और वाई 17 में मिलता है, और वाई 18 में भी सेम वही चीजें लगाई गई हैं। इसमें G85 चिपसेट लगाया गया, साइड माउंटेड फिंगर है, 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हमें 6.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया,
5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। अडाप्टर की बात करें तो वो बता चुका हूँ कि ये 15 वाट का हमें इस मॉडल में फास्टली अडाप्टर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल की इनवाइस आई है Y18 की, वो ये 4+4 RAM और 128 GB वाला ये वेरियंट है। इस मॉडल की जो इनवाइस आई है 33,500 रुपये इनवाइस आई है और ये आपको मार्केट से 2000 से 2500 के डिस्काउंट रेट पे इजीली मार्केट से इजीली मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा वेरिएंट है जिसमें कि बैक काफ़ी खूबसूरत सी बैक मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगर दिया गया, 50 MP का कैमरा मिल जाएगा और ये एक अच्छी बात है जो कि Y17S के बाद Y18 में काफ़ी खूबसूरत सा हमें बैक डिज़ाइन मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।